अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये मेरे सीड से लगाए हुए प्लांट्स हैं, छोटे छोटे गमलों में, उसमें अनार के, मनी प्लांट के और बहुत सी कटिंग लगाई हुई है। जो भी फ्रूट या वेजिटेबल होती हैं, उनके सीड होते हैं, वो यूँ ही डाल देती हूँ गमलों में। उसमें जो गार्डन साइल होती है तो उसमें फिर ये निकल आते हैं, फिर इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ। और मार्च अप्रैल में ये सीड लगाए थे तो उनके अच्छे खासे सीड की जनरेशन हो गई है और छोटे छोटे पॉट में लगे हुए ये बड़े प्लांट हैं। ये भी सब कटिंग से लगाए हैं, कुछ खरीदे थे और कुछ कटिंग से बढ़ते चले गए। मधुकामनी और ये उसका चीकू का प्लांट है, इसकी भी दो तीन दफ़ा प्रूनिंग कर दी थी तो जगह जगह से इसके नए लीव्स, नए स्टैंडिंग कर रहे हैं छोटे छोटे। ऊपर जितना बढ़ता जा रहा है ऊपर से काट देती हूँ, तो फिर एक में से फिर दो शाख साइडों से निकलती हैं तो अच्छा खुशी होता जा रहा है। यह विंटर के प्लांट सबके सब फ्लावरिंग भी कम कर दी है, कंपोस्ट बन रही है। सारे लीव्स जितने भी गार्डन के हैं सब पहले इन दो ग्रो बैग में डाले थे और विंटर में इनमें वर्मी कंपोस्ट डाल कर किया था, सीड डाल के इसमें लगा दिए थे। तो अब जो विंटर के प्लांट ख़त्म होंगे तो फिर इसमें इस समर के इसके प्लांट जो सीड लगाए हैं वो शिफ्ट कर दूँगी। रबर प्लांट है, लूनिमा है, स्विस चीज़, ब्रोकन हार्ट, और ये आप मनी प्लांट की दोबारा से ग्रोथ अच्छी हो रही है। ली वाइन पटाटो वाइन है, ये गमलों में कुछ लगी हुई है, बाकी अभी सही से उन्हें ग्रोथ अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ये पेपरमिया, इसका आगे फिर वीडियो भी शेयर करूँगी। ये एक लीफ से उससे इसको जर्मिनेशन जीजी प्लांट की और इसकी की थी। सकुलेंट तो खाली लीफ से भी आप कर सकते हैं। ये रियो का प्लांट शेड में रखा हुआ है तो ग्रीन है और जो ज़रा धूप में है सन के उसमें रखे में वो पर्पल उनका कलर हुआ हुआ है। ये एस्पैरगस, इसमें फ्लावर आए थे फिर उसके बाद ये सीड बनते नहीं हैं, बस खाली सूख के। ये इसमें बैम्बो पाम में सीट आ रहे हैं, ये येलो हो गए, पहले ग्रीन थे। छोटी छोटी सी कटिंग में लगाई हुई है, पेंसिल कैक्टस है, फाइकस प्लांट है, ये बरगद का फाइकस के किस्म जो देसी होता है बरगद, उसके नीचे से ये पानीवर्थ दोबारा विंटर के बाद दोबारा इसमें ग्रोथ हो गई सही। ये हैं लीफ से लगाए हुए सकुलेंट प्लांट, तो इसको दो लीव्स लगाए थे, लेकर आए थे एक इसका और एक जीजी प्लांट का, तो ये इस तरह से फिर दोबारा मैंने इसको लगा दिया था छोटे से पॉट में।
कि अब इसकी ग्रोथ अच्छी हुई क्योंकि ये पूरा भर गया है, बुशी हो गया है, तो इसमें से काट के खाली लीव्स को लगा दिया था, तो फिर उसके बाद उसमें भी अच्छी जर्मिनेशन हो गई। ज़्यादातर कटिंग से या लीफ से या सीड से ही मेरे प्लांट लगे हुए हैं। और उनकी ग्रोथ भी देखभाल करने से, वक्त पे कंपोज और पेस्टिसाइड जो कि घर में बनाए हुए हैं, फर्टिलाइज़र ये मदर ऑफ पसंद आए तो थाउजेंड शेयर करें। का छोटे से उसमें हैली भी कुंडी ही है, उसके अंदर जो पौधों के लिए गमलों के नीचे रखे जाती है उसके अंदर टर्टल वाइन लगी हुई है। और ये इसका छोटे मॉर्निंग ग्लोरी और मुख्तलिफ पौधे इसमें उगाते हैं। तो ये इसके साथ सन बेबी रोज़ का गमला रखा हुआ है, वो चिड़ियाँ आके इसमें से पत्ते इसके नोचती रहती हैं। फ्लावर इसके ख़त्म हो गए अभी, धूप नहीं है, बादल कल भी थे आज भी हैं, तो इस वजह से इसमें तो ये देखें कितने छोटे छोटे से इसके बेबीज ऊपर आ रहे हैं। ये जहाँ जहाँ झड़ के जाएंगे वहाँ वहाँ अपने ये छोटा छोटा पौधे बड़े बड़े इसी तरह से ये हो जाएंगे। ये एक साल में इतना बड़ा हो गया कि इसका दूसरा निकल रहा है, ये बड़ा पहले निकला था। और बाकी पौधे गर्मी की वजह से मर रहे हैं, ये सदाबहार का पौधा विंका का, और ये नीम का पौधा है इधर, इसके साथ सदाबहार रखी हुई। ये लेवेंडर का पौधा गर्मी धूप की उसकी वजह से डॉर्मेंसी में गया हुआ, तो सारे के सारे इसके पत्ते मुरझा रहे हैं। एक में खिला हुआ है बेबी सन रोज में, एक दूसरे वाले कमरे में, इसको भी चिड़ियों ने खा लिया है इसके पत्ते। एक इसका खिला हुआ है छोटा सा फूल। ये मेरे दो पत्तों से नहीं लगाए हुए जीजी प्लांट की माशाल्लाह 3 साल में देखें उसने 3-4 बन चुके हैं, बड़ा है ये। इसके बाद इसमें 3 निकले और ये चौथा निकलने की उसको उसमें है तैयारी में। और ये भी दूसरे पत्ते से ये बड़ा है इसका, और इसके भी 1-2 बड़े हो गए हैं और चौथा निकल रहा है, और बल्कि एक और छोटा है वो ज़मीन में से नीचे से निकल रहा है। अभी इसका खुश्क पत्ता मैंने हटाया तो उसमें से नज़र आया। ये भी सेकुलेंट में, पानी की इसको ज़रूरत नहीं, लो मेंटेनेंस का है और इसमें पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और इसको धूप की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। 1-2 घंटे की धूप इसको आज वो हो जाए, मिल जाए। इंडोर रखा था मैंने, लेकिन इंडोर इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, का वो बाहर रखने की वजह से इसमें ग्रीन नेट में बाहर टेरेस गार्डन में रखा हुआ है, तो ये अच्छे माशाल्लाह से चल रहे हैं। और इनके नए बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं, बन रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।